हेलो एवरीबॉडी, हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे थे और हमने यहाँ तक दो प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके थे, ठीक है, जहाँ से मैंने पहले एल्किल हैलाइड्स की बात की थी। एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने एल्किल हैलाइड्स के एल्कोहल की जो रिएक्शन बताई थी वो मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हर रिएक्शन होती है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट्स में लेके चले थे, SN1 भी बात की थी, SN2 की भी बात की थी, जिसको हम डिटेल से हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हम बात करें कि एल्किन से आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हो, और एल्किन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड के द्वारा, एक इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, जहाँ पे एडिशन किसका होता है, H2 का एडिशन होता है। और डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात की थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड की, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2, जिसके अंदर हम पहला डिस्कस करेंगे HBO रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं H फॉर हाइड्रो, बी फॉर गया बोरेशन, H फॉर हाइड्रो, बी फॉर बोरेशन, और O फॉर गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे बात याद रखना फर्स्ट कि जो एडिशन है, कि एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O वो क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना यहाँ पे है, वो एडिशन होता है एडिशन ऑफ BH3, किसका है, BH3, या फिर लिख दूँ यहाँ पे B2H6, किसकी बात करूँ मैं, B2H6, जिसको अपन बोलते हैं डाई बोरेन कहेंगे। थर्ड मैं यहाँ पे बात करूँगा कि यहाँ पे जो एडिशन है वो एडिशन होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड का, ठीक है। और ये कौन से मीडियम के अंदर बात करूँगा, तो हम लेके चलेंगे बेसिक मीडियम के अंदर, किसके अंदर, बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे H2 का इनडायरेक्ट एडिशन है, दूसरा यहाँ पे एडिशन किसका है, BH3 का या B2H6 का, डाई बोरेन का। फिर यहाँ पे एडिशन किसका है, यहाँ पे H2O2 का है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम लेके चलेंगे, H2O2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड कहेंगे। याद रखना ये जो एडिशन होता है, ये एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकोफ के रूल के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है। और याद रखना मैंने ये पहले कल लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया, एक तो मैंने बोला था MKR, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकोव, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, वो तो क्या है, MKR है। एंटी मार्कोनिकोफ क्या होता है, इसके अंदर याद रखा जो न्यूक्लियोफाइल है वह उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, ये क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकोव कहलाएगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, पहले HBO की बात करें यहाँ से। देखो HBO के अंदर भी मैं दो टाइप से लेके चलूँगा एल्किन को, एक तो सिमेट्रिकल है, दूसरी हमारे पास कौन सी है, अनसिमेट्रिकल है। मैं ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी कह चुका था कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन से आते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बात करूँगा सिमेट्रिकल एल्किन की, सिमेट्रिकल एल्किन की, जिसको हम कहते हैं सममित एल्किन, सममित एल्किन, सममित एल्किन, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिन, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिशन किसका कर रहा हूँ, यहाँ पे BH3 का या फिर B2H6 का,
दूसरा एडिशन यहाँ पे किसका है, H2O2 का, कौन से मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर। और फिर मैंने बोला था ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग आता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। लेकिन यह को देखो सिमेट्रिकल, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो एम के आर के अंदर प्रॉब्लम है, ना ही यहाँ एन टी एम के आर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक जगह आपको हाइड्रोजन ऐड किया मैंने, ठीक है, और एक जगह मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, OH ऐड किया है। इसका मतलब ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का, किसका है, एल्कोहल का। इसको हम डिस्कस करेंगे किसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जो देखो ये एल्किन है, इस एल्किन के पास में यहाँ पे क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इस एल्किन के पास में जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ये कहाँ से आता है, तो याद रखना ये आता है BH3 से। कौन देता है, BH3 देता है यहाँ पे। दूसरा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये OH ग्रुप कहाँ से आता है, तो याद रखना ये OH ग्रुप आता है H2O2 से। कहाँ से आता है, H2O2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बन चुके, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, BH3 से, और ये OH कहाँ से आ रहा है, ये H2O2 से आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये किसकी डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है सिमेट्रिकल एल्किन को। अब देखो जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है वो आता है अनसिमेट्रिकल एल्किन से, ठीक है, वो मैं बात करता हूँ अनसिमेट्रिकल एल्किन, यहाँ से अनसिमेट्रिकल एल्किन जिसको मैकेनिज्म के थ्रू हम अच्छे से लेके चलेंगे, अनसिमेट्रिकल ट्रिकल एल्किन जिसको कहेंगे असममित एल्किन, असममित एल्किन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको कहेंगे प्रोपीन, ठीक है। एक साइड में दो हाइड्रोजन है, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में यहाँ पे कौन सा है, मेथिल ग्रुप है, तो ये कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गया। फिर देखो यहाँ पे एडिशन एक तो किसका है, BH3 का, या फिर मैं बोल रहा हूँ B2H6 का। दूसरा जो एडिशन है यहाँ पे किसका है, H2O2 का, कौन सी मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने देखो ये मैंने बोला था कि ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि ये कहेगा कि न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, वो कौन सा कहलाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ये दोनों कार्बन आपस में है, कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो देखो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे कौन है, OH नेगेटिव है, ठीक है। OH नेगेटिव कौन से कार्बन पे आएगा, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है, संख्या ज़्यादा, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3, इस कार्बन के साथ में यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, ठीक है, और इस CH2 के साथ में मैंने क्या जोड़ा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, क्या है, OH है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, तो देखो ये फॉर्मेशन हो रहा है 1 डिग्री एल्कोहल का, किसका है, 1 डिग्री एल्कोहल का। जैसे ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक से अटैच्ड है, इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखना ये चीज में, ये एंटी मार्कोनिकोव है। अब एंटी मार्कोनिकोव आता है, इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट लाइनर, इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैं मैकेनिज्म को लेके चलता हूँ, इसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ताकि ये अच्छे से ये समझ में आ सके आपकी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की।
क्रियाविधि की हम बात करेंगे यहाँ से। मैकेनिज्म ठीक है। जैसे यहाँ से ये मैंने ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्किन ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ BH3, एडिशन किसका है BH3 ठीक है। याद रखना ये काम किसके रूप में काम करेगा, देखो बोरोन है, एटॉमिक नंबर कितना आता है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 1s2 2s2 2p 1 है ठीक है। अब देखो ये 2s के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पी के पास ऑर्बिट कितने हैं 3 ऑर्बिट होते हैं पी अक्स पी वाई और पी जेड ठीक है, पी अक्स पी वाई और पी जेड जिसकी एनर्जी क्या होती है सेम होगी ठीक है। अब देखो यदि आप यदि बोरोन को मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, उत्तेजित अवस्था की बात करूं, तो याद रखा ये 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में चला जाता है p वाले में चला जाता है ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस में चला गया इस p ऑर्बिट में चला गया ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे इस पी के पास में फिर भी यहाँ पे क्या हो गया एक ऑर्बिट क्या हो गया यहाँ पे खाली रह गया, क्या हो गया खाली रह गया ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन इलेक्ट्रॉन ये है और ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ में बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन तो है बोरोन के और तीन इलेक्ट्रॉन हो गए किसके हाइड्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब BH3 के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है डेफिशिएंसी आ रही है कम है, इसका मतलब यहाँ पे ये काम किसके रूप में करेगा लेविस एसिड के रूप में, किसके रूप में काम करता है ये लेविस एसिड के रूप में काम करेगा ठीक है। और फिर देखो मैंने बोला कि बोरोन के पास में एक्साइटेड स्टेट के अंदर फिर भी यहाँ पे एक पी ऑर्बिट क्या हो जाता है खाली रह जाता है और इस पी ऑर्बिट को मैं बना देता हूँ ऐसे इस तरह से, ये अपने पास में एक पी ऑर्बिट खाली रह गया ठीक है। फिर देखो मैंने क्या बोला है कि इसके पास में जो है ये एल्किन है, इस एल्किन के पास में क्या आता है ये पाई इलेक्ट्रॉन है ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्या होंगे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो ये मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ से ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा इस बोरोन के साथ में जाएगा ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इधर ट्रांसफर होंगे ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री कैटायन बन गया 2 डिग्री बना ठीक है। फिर ये जैसे आ गया ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, मतलब इधर की तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस बोरोन की तरफ जाएंगे और बोरोन के साथ में ये किसका फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसका किया है बॉन्ड का फॉर्मेशन किया यहाँ पे ठीक है। तो बन क्या गया अपने पास में CH3 CH, यहाँ पे CH2, इसके साथ में बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज आ गया ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो गए CH2 के पास हो गए, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटन क्या आता है मोर स्टेबल होता है कंपेयर किसके 1 डिग्री के ठीक है। फिर देखो इसी दौरान क्या करता है इस बोरोन के साथ में जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ठीक है। खींचने के बाद में यहाँ पे निकला क्या एच नेगेटिव निकला और ये एच नेगेटिव इसी कार्बोकेटाइन के साथ में आके क्या हो गया जुड़ गया ठीक है। अब जैसे जुड़ा तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका CH3 CH, यहाँ पे एच ठीक है, उसके बाद देखो CH2 ठीक है, इसके साथ में ये बोरोन जुड़ा है और बोरोन के साथ में यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेता है, ये लेने के बाद में जो नेगेटिव है नेगेटिव किसके साथ में जुड़ गया इसे पॉजिटिव के साथ में जुड़ गया यहाँ पे ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये जो स्पीसीज बची है, अब यहाँ पे देखो बोरोन के पास में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे इसके पास में फिर से एक पी ऑर्बिट क्या रह गया खाली रह गया ठीक है, और जब फिर से खाली रह गया इसका मतलब यहाँ पे एक मोल और किसकी काम में आएगी एल्किन की काम में आएगी, किसकी है एल्किन की काम में आएगी ठीक है। और देखो फिर से एल्किन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर है,
तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जब बोरोन के पास में पी ऑर्बिट खाली है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस बोरोन को देगा, और इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इस बोरोन के साथ में एक हाइड्रोजन वापस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले गया, ठीक है। ये एच नेगेटिव बनाएगा, और ये एच नेगेटिव वाला किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में फिर से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3, यहाँ पे CH, तो इसको CH2 लिख दूँ, इसके साथ में CH2 है, ठीक है। अब देखो एक यूनिट तो ये है और एक यूनिट होगी, तो बोरोन के साथ में अब कितनी यूनिट ऐड होगी, दो यूनिट, और उसके साथ में एक हाइड्रोजन और निकल गया, तो बच्चा कितना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बच गया यहाँ से, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे इस बोरोन के पास में, यहाँ से देखो छः इलेक्ट्रॉन, मतलब चार इलेक्ट्रॉन तो हो गए, दो ही हो गए, छः इलेक्ट्रॉन के, फिर से इस बोरोन के पास में ये पी ऑर्बिट क्या हो गया, यहाँ पे खाली है, ठीक है। और जैसे खाली है तो यहाँ पे एल्किन की एक और यूनिट क्या होगी, काम में आएगी, एक यूनिट और यहाँ पे यूज होगी। और जैसे यूज होगी यहाँ से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वाले इस कार्बन के पास में जाएंगे, तो इसके पास में क्या बना, पॉजिटिव बना, यहाँ पे नेगेटिव बना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस बोरोन को देगा, और वापस इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बंध का निर्माण करेगा यहाँ पे, ठीक है। बंध के निर्माण के दौरान देखो, इस हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वापस ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो इस पे चार्ज कौन सा बन गया, नेगेटिव चार्ज बना, और ये नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन वापस इसके पास में इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन के साथ में आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3 CH2 CH2। देखो दो यूनिट तो ये है और एक यूनिट और होगी, अब यहाँ पे बोरोन के साथ में कितनी यूनिट जुड़गी, तीन यूनिट जुड़गी, कितनी है, तीन यूनिट जुड़गी। अब यहाँ तक तो देखो काम किसका हो रहा है, काम यहाँ पे हो रहा है बोरोन का, ठीक है, BH3 का यहाँ से। अब आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी BH3 दे रहा है, यहाँ पे भी देखो जो हाइड्रोजन है वो कौन दे रहा है, बोरोन से आ रहा है, BH3 से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो भी कहाँ से आ रहा है, BH3 से आ रहा है। तो मैंने पहली जो रिएक्शन की बात की थी, जहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने बोला था कि एक जगह हाइड्रोजन जोड़ा था और एक जगह मैंने एल्कोहल जोड़ा था, और मैंने बोला था कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये हाइड्रोजन आता है BH3 से, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक इस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे जो रोल आता है वो रोल आएगा H2O2 का, किसका है, H2O2 का। तो देखो इस यूनिट को मैं ऐसे बना दूँ, CH3 CH2 CH2 बोरोन, इसकी यहाँ पे यूनिट कितने अपने पास में, तीन है। अब ये OH वाला है, इसको भी ऐसे लिख दूँ, OH OH, यहाँ पे OH, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, इसके कितनी यूनिट है, तो इसकी भी अपने पास में मोल आएंगे, तीन मोल। अब देखो ये इधर वाला बॉन्ड फोड़, तो आपको इसको ब्रेक डाउन कर दो, और इनके OH वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो, जो लेफ्ट साइड है इसको इधर जोड़ दो, जो राइट साइड में इनको इधर की तरफ जोड़ दें। अब देखो जैसे जोड़ोगे, यहाँ पे एक यूनिट है, इस एक यूनिट के साथ में एक अल्कोहल, तो यहाँ पे यूनिट कितनी है, तीन है, और तीन यूनिट के साथ में कितने अल्कोहल बन गए, तीन वाले। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका गया, 3 CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो H3 1 2 3 H3, उसके बाद देखो बोरोन B, उसके बाद में 1 2 3 ऑक्सीजन O3, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, 1 डिग्री एल्कोल, उसके साथ में किसका हो गया, H3 BO3 का हो गया। अब देखो यहाँ से देखो ये OH कहाँ से आ रहा है, ये OH कौन दे रहा है, H2O2 तो दे रहा है, तो मैंने यही तो बोला था कि ये जो OH आता है, ये OH कहाँ से आता है, H2O2 से आता है, ठीक है। फिर एक बात याद रखा स्पेशली कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, कौन से के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने दूसरा डिस्कस किया कौन सी रिएक्शन, HBO रिएक्शन। अब हम जो तीसरी रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड रिएक्शन थी हमारे पास में वो थी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कौन सी है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ठीक है। अब तीसरी हम जो थर्ड रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे वो है मर्क्यूरेशन, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी
मर्क्यूरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जो हमारे पास में हम यूज़ करेंगे, एक तो मर्करी एसीटेट का, मर्करी एसीटेट, और इसके साथ में हम यूज करेंगे H2O को। क्या यूज़ करेंगे? H2O को। एसी का मतलब हो गया एसीटेट, एसीटेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हम यूज़ करेंगे NaBH4 का। किसका? NaBH4 का, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कहेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, याद रखा, ये काम किसके रूप में करता है? ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। किसके रूप में? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और इसका काम क्या है? एच नेगेटिव मतलब हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। क्या करता है? ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद देखो याद रखा, यहाँ पे जो है एडिशन है किसका? H2 का। और H2 का एडिशन भी याद रखना, यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट एडिशन होता है। ठीक है, फिर याद रखना, यहाँ पे जो एडिशन होता है, ये एडिशन आता है MKR के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डबली बॉन्डेड से अटैच्ड होगा, जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, थर्ड जो मैं बात करूंगा, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, याद रखा, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होती। किसके अंदर? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये बात होगी, ये चीज़ अपन को चाहिए। ठीक है, अब हम इसी को डिस्कस करेंगे दोनों, एक तो सिमेट्रिकल एल्किन की बात हुआ, दूसरा हमारे पास में कौन सा है? अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? सिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्किन बना देता हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्किन हो गया यहाँ पे। इसके अंदर पहला हम लेंगे मर्करी एसीटेट। ठीक है, और उसके साथ में मैंने ले लिया H2O। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको यूज किसका करना है? NaBH4, जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसका काम क्या है? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। तो ये अकॉर्डिंग टू किस क्या आता है? MKR के अकॉर्डिंग ये आएगा यहाँ पे। तो एक जगह आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है, एक जगह आपको किसको जोड़ना है? OH को जोड़ना है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया? एल्कोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये तो बात किसकी होगी? सिमेट्रिकल की। किसकी है? सिमेट्रिकल की। अब मैं डिस्कस करूँगा कहाँ पे? अनसिमेट्रिकल एल्किन पे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्किन पर। तो यहाँ पे बना देता हूँ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास क्या हो गया? प्रोपीन। और इस प्रोपीन है ये किस टाइप की? अपने पास में अनसिमेट्रिकल टाइप की। यहाँ पे फिर से वही, हमारे पास पहले यूज किसका करना है? मर्करी एसीटेट का, फिर उसके बाद में H2O का, फिर उसके बाद में आप किसका यूज़ करेंगे? NaBH4 का, जिसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जोड़ना है? जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो देखो यहाँ पे कितना है? एक। यहाँ पे कितने हैं? दो। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे? इस कार्बन के साथ में जोड़ना है। किस कार्बन के साथ में? इस कार्बन के साथ में, जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम। ठीक है, तो मैंने एक जगह यहाँ पे क्या जोड़ दिया? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? OH, मतलब H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। जितना नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव में स्पीसीज है, वो काम किसके रूप में करती है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके रूप में काम करती है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH जोड़ दिया। दूसरे वाले कार्बन के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो कौन सा एल्कोहल बना? 2° एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये किसके द्वारा है? ये है मर्करी एसीटेट के द्वारा, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। याद रखा, एग्जाम्स के अंदर मैकेनिज्म बहुत रेयर आती है, आपको समझाने के लिए हम मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ आपको ईजिली माइंड के अंदर ये सेट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, कैसे ये काम करते हैं ऐसे। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म के अंदर मैं फिर से यहाँ पे ये प्रोपीन ले लिया मैंने। ठीक है,
और इस प्रोपेन की यहाँ पे मैं मरकरी एसीटेट, देखो मरकरी के साथ में दो यूनिट जुड़ी हुई यहाँ से एसीटेट की, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम किसकी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम होती है नाइट्रोजन की, उससे कम होती है क्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये मरकरी है, इस मरकरी के साथ में जुड़ा कौन है ऑक्सीजन, इधर भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इस साइड भी जुड़ा है, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मरकरी पे चार्ज कौन सा गया प्लस चार आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसके पास में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, लूजली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटन क्या होता है मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटन, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये मरकरी के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये मरकरी को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये कार्बन जो नेगेटिव स्पीसीज वाला, और इसके साथ में क्या किया इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बंध का निर्माण किया, CH3 CH यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH2, ये HG, इसके साथ में OAC, यहाँ पे OAC, ठीक है। फिर देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, और जैसे ये खींचेगा ये यहाँ से क्या होता है ये माइनस के रूप में क्या हो गया बाहर निकल गया, एसीटेट के रूप में यहाँ से क्या हो गया बाहर निकला, ठीक है। फिर इसी दौरान क्या होता है ये जो है ये कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा इस मरकरी के साथ में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इस मरकरी के साथ में भी क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन याद रखना ये रिएक्शन होती है वेरी फास्ट होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इस वजह से यहां पे याद रखा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही कम सेकंड के अंदर होती है, और यहां पे फॉर्मेशन किसका है जैसे CH3 CH, ये CH2 है, यहां पे मैंने क्या बोला था मरकरी, यहां से ये HG है, यहां पे इसके साथ में OAC है, इसके साथ में जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है प्लस वाला चार्ज है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला मरकरी एसीटेट के साथ में यहाँ पे रोल किसका आता है H2 का रोल आता है, और मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये लोन पेयर काम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन वाले ये लोन पेयर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और देने के बाद में इसके साथ में क्या किया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा गया प्लस वाला चार्ज आ गया, और यहाँ पे देखो ये मरकरी है, ये मरकरी इसने क्या किया ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे वापस खींचे बॉन्ड का, यहाँ पे क्या होगा ब्रेक हो गया, और ये HG OAC यहाँ पे बना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के यहाँ पे क्या होती है ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है सर्वाइव नहीं कर सकती, और जब नहीं करेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वापस क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव के रूप में क्या होगा बाहर निकला, और ये जो H पॉजिटिव है जो हमारे पास में यहाँ पे जो एसीटेट निकला था इसके साथ में क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब CH3COO नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन किसका कर दी यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। फिर देखो यहाँ पे ये CH3 ये CH यहाँ पे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसका मतलब यहाँ से इसका वापस ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज क्या हो गया यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे ये CH2 है ये HG यहाँ पे OAC, ठीक है, यहाँ तक स्पीसीज बन गई। फिर यहाँ पे हमारे पास में जो रोल आता है वो रोल आएगा NaBH4 का, किसका रोल है NaBH4 का, और NaBH4 का काम क्या है H नेगेटिव हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, ये मरकरी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाता है, और जैसे निकला इस पर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा प्लस वाला, ठीक है, और जैसे प्लस वाला क्रिएट हुआ ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके साथ में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन किया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो देखो ये यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बन गया
टू डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। लेकिन याद रखा, ये जो होती है, ये सारी की सारी जो रिएक्शन होती है, ये अकॉर्डिंग टू किसके है, एम के आर के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो मैंने बोला था, ये जो इंटरमीडिएट जो स्पीसीज यहाँ पे बनती है, ये क्या होता है, वेरी फास्ट होगी। इसका मतलब इस वजह से यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट की है, वो रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से आप कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन करे हो, टू डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करे हो। उसके बाद में मैंने HBO की बात की, HBO से आप कौन सा डिग्री का फॉर्मेशन करे हो, वन डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करे हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, ठीक है, और उनके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं तीनों रिएक्शन के क्वेश्चन दूंगा, यहाँ से एसिड वाला, उसके बाद दूसरा अपने पास में जो पड़ा है HBO वाला, और तीसरा हमारे पास में कौन सा है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे CH3, ये यहाँ पे CH, ये CH3, यहाँ पे H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन फर्स्ट मैं करा रहा हूँ H पॉजिटिव H2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस में H2O। तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा यही रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट BH3 या B2S6 के साथ में, दूसरा यहाँ पे है H2O2 बेसिक मीडियम के साथ में, तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे आपके पास में है, जो मर्करी एसीटेट और मर्करी एसीटेट के साथ में H2O फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड आपको यूज़ करना है NaBH4 का, सोडियम बोरोहाइड्रेट का, तो यहाँ पे सी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस एल्किन से एक क्वेश्चन ये है, इसी से एक क्वेश्चन बी वाला है, इसी से एक क्वेश्चन सी वाला है। एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे CH3, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ में, H पॉजिटिव H2O जो डाइल्यूट H2SO4 के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में BH3, B2H6 और यहाँ पे H2O2 OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में मर्करी एसीटेट प्लस में H2O, और यहाँ पे सेकंड किसका है हमारे पास, NaBH4 का है। तो यहाँ पे भी आपको देखो A, B, C, फिर D, फिर E, फिर F, तो आपको यहाँ पे A, B, C, D, E और F है, इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब याद रखना, वहाँ पे शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग का मतलब है, या तो हो सकता है हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे किसकी, मैथिल की शिफ्टिंग होगी। आपको देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, वन डिग्री वाला है, टू डिग्री वाला, थ्री डिग्री वाला। यदि थ्री डिग्री बन रहा है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। यदि वन डिग्री कंपेरिजन में आप टू डिग्री भी बना सकते हो, आपको ज़्यादा को किसको देना है, टू डिग्री देना है। लेकिन याद रखा, इन दोनों केस के अंदर शिफ्टिंग नहीं होती, तो इसके अंदर आपको आंसर बनाना है उसके, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।